टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा व खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है और आज हरियाणा के सभी सूरमा अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। देश के स्टार पहलवान और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया भी अपने घर पहुंची और उनकी मां और भाभी ने चूरमा खिलाकर बजरंग का स्वागत किया और इस दौरान मौके पर खेल प्रेमियों का हुजूम बजरंग के घर देखने को मिला। एक पैर में चोट होने के बावजूद देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने खेल प्रेमियों को निराश नहीं किया और देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपनी खेल भावना का परिचय दिया और आज बजरंग पूनिया टोक्यो से देश लौट आए हैं और इस मौके पर बजरंग के सोनीपत आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। जब बजरंग पूनिया अपने घर आए तो उनकी माँ भाभी और उनकी पत्नी संगीता ने उन्हें चूरमा खिलाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बजरंग पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पैर में चोट होने के चलते कांस्य पदक से संतुष्ट हूं, लेकिन देश को मुझसे गोल्ड की उम्मीद थी, इस उम्मीद पर मैं खरा नहीं उतर पाया और अब आगे मैं और मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि अब मैं डॉक्टर से सलाह लूंगा कि कितना रेस्ट करना है और कितना रिहैब और उसके बाद दोबारा से मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। घर और देश में हो रहे जश्न पर बोलते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि यही चीज खिलाड़ी में ऊर्जा भरती है और आगे और अच्छा करने की उम्मीद बढ़ती है क्योंकि आपको देशवासी इतना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती एकेडमी खोलकर अपने जैसे और खिलाड़ी तैयार करने हैं। अभी अब डॉक्टर से मिलूंगा, अभी जैसे भी फ्री होता हूं मैं डॉक्टर से बात करके कितना रेस्ट करना, रिहैब करना है, उसके बाद ट्रेनिंग दोबारा से। अभी वो डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलेगा क्योंकि पहले 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का रेस्ट बोला था। बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है, दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है, तो बहुत खुशी है और यही चीज़ें जो एक खिलाड़ी को दोबारा से ऊर्जा बढ़ती है कि आपको और अच्छा करना है क्योंकि देशवासी आपको इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल भाई बड़ा अच्छा लग रहा है और क्योंकि बहुत दिनों बाद फैमिली के पास आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखिए अभी तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और मैं मेरा जब तक मेरा जो मानना है मैं अपनी अकेडमी करके और खिलाड़ियों जब मैं जो मेरा अनुभव है जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरे खिलाड़ियों को सिखाऊंगा। बजरंग पुनिया के कांस्य पदक जीतने के बाद उनकी जीवन संगनी संगीता फोगाट पुनिया ने कहा कि ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म से मेडल लेकर बजरंग वापस आ रहा है जिसके चलते घर और देश में जश्न का माहौल है। उनसे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी लेकिन पैर में चोट के चलते उन्होंने फिर भी देश को कांस्य पदक दिलाया, वो बड़ी बात है क्योंकि देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी है। अगर मैं एक पहलवान होते हुए देखूं तो उन्होंने चोट के बावजूद खेलते हुए बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि मैं और बजरंग दोनों अब पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और हमें उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में बजरंग देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। आप देख रहे होंगे कि घर में कैसा माहौल है, कैसे मतलब डीजे वगैरह लगा हुआ है और कुछ मतलब एक ओलंपिक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ से मेडल लेके आ रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा और उम्मीद थी कि बेटर और करें लेकिन हम मेडल से बहुत खुश हैं। देखिए इंजरी मतलब खिलाड़ी को हम कह नहीं सकते कब किस टाइम इंजरी हो जाए, उसको बचाते हुए हम अपना गेम खेलते हैं लेकिन जब किस्मत में होता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस हिसाब से बजरंग ने गेम खेला है इंजरी होने के बावजूद मैं तो उसको काफ़ी अच्छा मानती हूँ। एज ए रेसलर मैं उसको देखूँ तो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने और बैड लक था कि उनको इंजरी हुई इस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। देखिए मैं भी एक खुद रेसलर हूँ और हम दोनों पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और अच्छा थोड़ा जिसमें जो कमी रही है जो कुछ भी और भी टेक्निक वगैरह में उसमें और सुधार करेंगे और माइंड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके जाएंगे अगली बार। देखिए कोशिश पूरी रहेगी बिल्कुल, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और बिल्कुल फोकस से वो रहेगा कि और उसका रंग बदले जरूर मेडल का। सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।